ठीक है बच्चे, अब अगला जो टॉपिक हम लोगों को करना है, ठीक है, सभी लोग लाइन पे है ना। जो अगला टॉपिक करना है बच्चे, वो करना है नव यथार्थ, और नियो रियलिज्म्स बोलते हैं बच्चे, नियो रियलिज्म्स भी बोल सकते हो, या फिर इसको संरचनात्मक यथार्थवाद भी बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में इसको कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म्स भी बोलते हैं। नियो रियलिज्म्स बोल लो, नव यथार्थवाद या नव यथार्थवाद बोल लो, संरचनात्मक यथार्थवाद बोल लो, कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म्स बोल लो, नियो रियलिज्म्स बोल लो, ये सारी चीजें सेम है बच्चे, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। आई बात समझ में बच्चे? अब जो नियो रियलिज्म्स का कंसेप्ट है बच्चे, तो नियो रियलिज्म्स का कंसेप्ट दिया किसने है बच्चे, तो वहां पे नाम आता है कैनथ वाल्टज, कैनथ वाल्टज ने, और हाँ कैनथ वाल्टज, ठीक है। और कैनथ वाल्टज की दो बुक हैं बच्चे जो काफी फेमस हैं, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मैन द स्टेट एंड वॉर। ये दोनों बुक तुम्हें क्या करना है, पेपर के लिए ध्यान में रखना है बच्चे। और जो कैनथ वाल्टज हैं बच्चे, ये कैनथ वाल्टज ने नियो रियलिज्म्स या संरचनात्मक यथार्थवाद का कंसेप्ट दिया कब है बच्चे, तो ईयर जो है वो 1970 है बच्चे, ठीक है, 1970 और 1970। और इन्होंने संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था बच्चे, देने के पहले उन्होंने क्या किया ना, यथार्थवाद का विश्लेषण किया। रियलिज्म स का उन्होंने क्या किया, रियलिज्म्स को एनालाइज किया, यथार्थवाद का विश्लेषण किया। और यथार्थवाद के विश्लेषण के लिए उन्होंने जिस सिद्धांत का इस्तेमाल किया था बच्चे, वो सिद्धांत था व्यवस्था सिद्धांत, जिसको हम लोग सिस्टम थ्योरी बोलते हैं, सिस्टम थ्योरी। ये सिस्टम थ्योरीज डेविड स्टर्न ने दिया था बच्चे, सिस्टम थ्योरीज डेविड स्टर्न के द्वारा दिया गया है बच्चे। और इसको माना जाता है, जो सिस्टम थ्योरी होती है, जिसे कोई मशीन होता है बच्चे, ठीक है, जो मशीन होता है, वो मशीन जो है वो किसी प्रिंसिपल पर क्या करता है, काम करता है। कोई भी सिस्टम जो होते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उस प्रिंसिपल पर वो सिस्टम क्या करता है, काम करता है। तो जो कैनथ वाल्टर्स थे बच्चे, उन्होंने नियो रियलिज्म्स का नियो रियलिज्म्स का विश्लेषण, या और नियो रियलिज्म्स को जब एनालाइज करना शुरू किया, तो उसके लिए उन्होंने सिस्टम अप्रोच, यानी एक साइंटिफिक अप्रोच को उन्होंने मीडियम बनाया बच्चे, माध्यम बनाया रियलिज्म्स को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। और जब ये नियो रियलिज्म्स का कंसेप्ट दे रहे थे बच्चे, उस समय बिहेवियरल रिवोल्यूशन चल रहा था, व्यवहारवादी क्रांति बोलते हैं। क्या चीज, हाँ पूछता तो है पेपर में कि ये व्यवस्था जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, डेविड स्टर्न है। और कई जगह पे इसको, कई जैसे लोक प्रशासन में पढ़ोगे तो चेस्टर बर्नार्ड जैसे लोग भी इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में, सिस्टम थ्योरीज का। हाँ वो, हाँ तो वो जीव विज्ञान में दिया गया था, तो वो कंसेप्ट वहां से ले रखे हैं। तो पेपर में जब भी आएगा बच्चे, पेपर में जब भी आएगा, तो पॉलिटिकल साइंस में किसने इस अप्रोच का इस्तेमाल किया है, तब तो वहां पे डेविड स्टर्न और बाकी स्कॉलर्स को तुम्हें देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में तुम्हें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में तुम्हें डेविड स्टर्न को देखना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो सिस्टम अप्रोच को कोई और स्कॉलर यूज करता है। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर आ रहा है बच्चे, तो फिर वहां पे कैनथ वाल्टर्स को देखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ शो करेगा, क्वेश्चंस तो देखने ही से पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में पूछ रहा है वो पता चल जाता है कि कहाँ पे तुम्हें, अगर आईआर में क्वेश्चंस पूछना है अप्रोचेस से, तो तुमसे हो सकता है कि कैनथ वाल्टर्स को रख कर क्वेश्चंस पूछ ले कि न्यू रियलिज्म का जो कंसेप्ट है कैनथ वाल्टर्स का, वो किस पर बेस्ड है। मतलब उन्होंने रियलिज्म्स को एनालाइज करने के लिए, यथार्थवाद का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने किस सिद्धांत का उपयोग किया था बच्चे, तो फिर तो वहां पे तुम सिस्टम थ्योरी ही ऑप्शन में देखोगे बच्चे। और दूसरी चीज है बिहेवियरल रिवोल्यूशंस, व्यवहारवादी क्रांति। जो व्यवहारवादी क्रांति है बच्चे, उसने एक नया अध्ययन करने का तरीका दिया। मतलब ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एक तरह से बिहेवियरल रिवोल्यूशन 60 के पीरियड में शुरू होती है बच्चे, जहाँ पे ये डिमांड होने लगता है कि हम लोग ह्यूमैनिटीज, जो खास तौर से जो मानविकीय विषय हैं,
उनका भी अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से हो, ठीक है ना, जहां पे विज्ञान के नियमों के द्वारा हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो सिस्टम जो नियो रियलिज्म, जो यथार्थवाद है बच्चे, तो यथार्थवाद में इन्होंने क्या किया, केनेथ वाल्टर्स ने यथार्थवाद से रिलेटेड डाटा उठाया, जो भी यथार्थवाद में बताई गई शक्ति संतुलन, राष्ट्रहित, सुरक्षा, इन सभी से उन्होंने एक डाटा उठाया और डाटा के आधार पे उन्होंने अपने एक सिद्धांत को क्या किया था, विकसित किया था और व्याख्या किया था। वैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा के आधार पे किसी समस्या की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसी को हम लोग वैज्ञानिक अप्रोच बोलते हैं। तो जो बिहेवियरल रिवोल्यूशन था बच्चे, उसने क्या कर दिया, ह्यूमैनिटीज, जो ह्यूमनिज्म, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं बच्चे, उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से वैज्ञानिक अप्रोचेस का मतलब, इन्होंने बोला कि मानविकीय जो विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ प्रिंसिपल हो सकते हैं जिस तरह से नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेचुरल साइंस का प्रिंसिपल है बच्चे, वो हर जगह अप्लाई होता है। उसी तरह से इन लोगों ने सोचा कि हम क्यों नहीं पॉलिटिकल साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स बना देते हैं और वो प्रिंसिपल जो है वो हर जगह क्या करेगा, अप्लाई करेगा। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था बच्चे। तो कहने का मतलब ये है, जो केनेथ वाल्टर्स हैं बच्चे, वो रियलिज्म्स का विश्लेषण तो कर रहे हैं, लेकिन वो रियलिज्म्स का विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। तथ्यों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, फैक्ट्स को क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार से क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो नीचे जब आओगे तो यथार्थवाद का विश्लेषण उन्होंने इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया है बच्चे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो यथार्थवाद है, जो रियलिज्म है, उसका विश्लेषण वो अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पे कर रहे हैं। कहीं बच्चा रो रहा है पीछे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पे उन्होंने किया है बच्चे। हर एक चीज की संरचना होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी का, एक जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें हर एक ऑर्गन का अपना क्या होता है, रोल होता है, ठीक है। उसी तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी एक स्ट्रक्चर होता है और उसमें जितने भी संरचना के जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो हर एक पार्ट का अपना क्या होता है, रोल होता है। तो जैसे परंपरागत यथार्थवादी जो थे बच्चे, जैसे हैंस मार्गेनथाउस जो थे, उन्होंने रियलिज्म्स का विश्लेषण तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मानव स्वभाव पे अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने की कोशिश की। जो केनेथ वाल्टर्स हैं वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझाना चाहते हैं, लेकिन किसके बेसिस पर, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पे बच्चे, ठीक है ना। जैसे संरचना का मतलब ये होता है कि कोई संगठन होता है, उस संगठन में कार्य, जो संगठन होता है वो कोई कार्य करता है या फिर उस संगठन को किसी नीति को लागू करने के लिए दिया जाता है। जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री ने जब पहला लॉकडाउन किया, फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ होगा बच्चे, तो ऐसा नहीं कि उस निर्णय में सिर्फ प्रधानमंत्री का रोल होगा, उसमें बहुत सारी संरचनाएं आई होंगी, बहुत सारे संगठन आए होंगे जिन्होंने पूरा एस्टिमेट लगाया होगा कि पहले लॉकडाउन से हमें कितना आर्थिक नुकसान होगा और कितना हम लोग कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक संरचना होती है, उस संरचना के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, एक निर्णय लेते हैं, मूल्यांकन करके, इवेल्युएशंस करके, और फिर उस निर्णय को एक प्रकार से क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। आई बात समझ में। जैसे कंप्यूटर है, मान लो एक स्ट्रक्चर है, अब कंप्यूटर से तुम्हें क्या चाहिए, जैसे तुम्हारे मोबाइल पे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है ना, अब तुम्हें क्या करना है, एक बहुत बड़ा डिजिट का नंबर जोड़ना है, तो तुम क्या करते हो, इनपुट करते हो ना, उसमें नंबर डालते हो सारा। अब तुम्हें एडिशन चाहिए, सब्सट्रैक्शन चाहिए, तो जो चाहिए तुम वो करते हो, उठाकर क्या कर देता है, दे देता आउटपुट में। जैसा तुम करो, इनपुट करते हो, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आउटपुट दिया जाता है। कभी तुम्हारा इनपुट जो है वो गलत हो जाता है, आउटपुट तुम्हें क्या मिलना शुरू हो जाता है, गलत मिलना शुरू। ये स्ट्रक्चर होता है बच्चे, संरचना होता है। जैसे तुमने गलत चीजें खा ली तो बॉडी जो है वो बहुत अधिक सपोर्ट नहीं करती है, एक स्ट्रक्चर है हमारा पूरा और इसी स्ट्रक्चर पे काम। उसी तरह से केनेथ वाल्टर्स ने बोला कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है बच्चे, उसका एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, उस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को बच्चे उन्होंने स्टडी करने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने एक तरह से
बोला कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर यानी जो अंतरराष्ट्रीय संरचना है पूरी की पूरी, वो क्या है? अराजकतापूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय संरचना को बच्चे या अंतरराष्ट्रीय राजनीति को किस रूप में देखते हैं? अंतरराष्ट्रीय राजनीति को वो अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पे अराजकतापूर्ण देखते हैं। वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वहां पे क्या है? एनार्की है। क्यों एनार्की है? क्योंकि हर एक देश पावर को प्राप्त करने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। और अगर हर देश पावर यानी शक्ति में अगर वृद्धि करेगा बच्चे, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक अनिश्चितता का क्या होगा? निर्माण होगा। अनसर्टेनिटीज होती है वो क्या हो जाएगी? फॉर्म होगी। और फिर वहां पे हो सकता है कि युद्ध या संघर्ष जैसी चीजें क्या हो? पैदा। क्योंकि एनार्की क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक देश शक्ति को बढ़ाना चाहता है। अब सोचो, हर एक देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहेगा तो दूसरे देश की शक्ति को कम कर कर ही तुम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हो। और दूसरे देश की जैसे ही शक्ति को कम करोगे, वो शांत रहेगा? नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? विरोध करेगा। और उस विरोध में फिर क्या होगा? वायलेशन होगा, संघर्ष होगी और एक हिंसा होगी। यानी उन्होंने बोला, कैनथ वाल्टर्स ने बोला कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, वो किस प्रकार का है? एनार्किस्ट है, अराजकतापूर्ण है। क्यों अराजकतापूर्ण है? क्योंकि वहां पर नेशन स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला कोई अथॉरिटीज नहीं है, जो ये बोले कि भाई तुम्हारा पावर बस बहुत हो गया, तुम्हारे पास इतना पावर प्राप्त हो गया, अब दूसरे को करने दो। कोई है नहीं। इस वजह से वहां पे क्या होगा? एक एनार्किस्ट कंडीशन जो होती है वो क्या होती है? क्रिएट हो जाती है बच्चे। और नीचे मैंने बता रखा है अराजकता पूर्ण का मतलब कि हिंसात्मक और द्वंद्वात्मक व्यवस्था में नहीं। मतलब लोग बोलते हैं कि जहां हिंसा है, जहां पे चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है, उस स्थिति को हम लोग अराजकता पूर्ण बोलते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कैनथ वाल्टज उस स्थिति को बच्चे, ठीक है, हिंसात्मक और ध्वंसात्मक स्थिति नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अराजकतापूर्ण व्यवस्था का आशय उस मान्यता से है जिसमें राष्ट्र राज्य के व्यवहारों को नियंत्रित करने की कोई केंद्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है। यानी नेशन स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कोई सेंटर पावर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर नेशन स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कोई केंद्रीय सत्ता ही नहीं है बच्चे, तो वहां पे अनिश्चितता बहुत अधिक होगी। ताकतवर देश जो है वो कमजोर देशों का क्या करेंगे? शोषण करेंगे। तो इसी स्थिति को उन्होंने क्या बोला था? अराजकता पूर्ण बोला था, एनार्किस्ट बोला था। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कैनथ वाल्टर्स के अकॉर्डिंग अराजकता पूर्ण स्थिति है, रीजन में क्या देगा? जहां पर केंद्रीय सत्ता जैसी चीजें उपस्थित नहीं थी। आई बात समझ में बच्चे? हेलो, समझ में आया या नहीं आया? कहां तक समझ में आया ये बताओ। अराजकता का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाला नहीं है, मतलब लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो उसी तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या कोई ऐसी सत्ता है जो नेशन स्टेट के व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है? ऐसा कोई नेशन स्टेट दिख रहा है तुम्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो लोगों के व्यवहार को क्या कर सके? नियंत्रित कर सके, मतलब जिसके कहने पर, जिसकी कही हुई बात को, जिसके ऑर्डर को लोग मानते हो, ऐसी कोई सत्ता तुम्हें दिख रही है? नहीं दिख रही है ना बच्चे। तो नहीं दिख रही है यानी वहां पे एक अनिश्चित माहौल होगा या नहीं होगा? अनिश्चित एक माहौल होगा। तो उसी स्थिति को तो बोलते हैं बच्चे अराजकता पूर्ण। जैसे तुम घर से बाहर निकले, अब स्ट्रीट जो लाइटें वो सारी टोटली बंद है और तुम कहीं तुम्हें जाना है, तो क्या उस रास्ते पर जाना सुरक्षित होगा? वो पूरा का पूरा क्यों क्यों वहां पे असुरक्षा की भावना पैदा तुम्हें हो रही है? क्योंकि लाइट जैसी चीजें नहीं है, कोई वहां पे है नहीं जो कि कोई दिक्कत अगर हो तो मुझे क्या करे? बचाए। इसी तरह से उन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बच्चे, वहां पे हर नेशन स्टेट तो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन हर एक नेशन स्टेट अपने पावर को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। अगर मैं अपने पावर को बहुत अधिक, हाँ, मैं अपने पावर को अगर बहुत अधिक बढ़ा लेता हूं बच्चे,
तो जरूरी है कि तुम्हारे पावर क्या होंगे, कम होंगे, और जब तुम्हारे पावर कम होंगे तो तुम शांत बैठोगे या विरोध करोगे? विरोध करोगे ना। अरे सिंपल सी बात है बच्चे, जो विकसित देश हैं, अगर विकसित देश पूरे देशों के संसाधनों को नियंत्रित कर ले तो विकासशील देश शांत रहेंगे या कुछ करेंगे? जब करेंगे तो क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा ही तो करेंगे उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो वहां पे एक संघर्ष की स्थिति पैदा हुई या नहीं हुई? तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मार्गेंथाउस ने तो सीधा बोल दिया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में संघर्ष है, ये उस बात को घुमा के बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो संघर्ष है बच्चे, वो इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? अराजकतापूर्ण है, क्योंकि लोग के वहां पे व्यवहार को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। तो कान सीधा ना पकड़ के कान क्या कर दिया? घुमा के पकड़ लिया, वरना फिर तो लोग बोलेंगे अरे मार्गेंथाउस के विचार भी वही हैं, केनेथ वाल्टर्स के भी विचार वही हैं, तो फिर अलग कैसे होगा? तो मुझे भी तो बताना कि भाई मैंने भी कोई चीज अध्ययन किया है और मैंने उसी चीज को बताया, लेकिन दूसरे तरीके से बता दिया। मैं भी वही बोल रहा हूं बच्चे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में संघर्ष है, लेकिन संघर्ष क्यों है ये मैं बता रहा हूं किस आधार पे? अराजकता पूर्ण आधार पे। और मार्गेंथाउस ने क्या बोला कि संघर्ष है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन किस बेस पर है बच्चे? रियलिज्म्स के बेसिस पर, सॉरी नहीं, मानव स्वभाव के बेसिस पर, ह्यूमन नेचर पे बताया था ना। जो पहला मार्गेंथाउस का जो प्रिंसिपल है बच्चे, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, जो मार्गेंथाउस का पहला प्रिंसिपल है उसमें क्या बोलता है? वहां पे बोलता है ना बच्चे कि मानव स्वभाव है सारा का सारा कारण होता है। बच्चे यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय, ये भी बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, सीधा भी बोला नहीं लेकिन आगे पता चल, ये भी बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष है, लेकिन संघर्ष क्यों है? अराजकतापूर्ण स्थिति के वजह से। और अराजकतापूर्ण स्थिति क्यों है बच्चे? क्योंकि वहां पे कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो लोगों के व्यवहार को क्या कर सके? नियंत्रित कर सके। यही केनेथ वाल्टर्स का नियो रियलिज्म है। बच्चे किसी के घर में बच्चा शोर कर रहा है पीछे, प्लीज शांत कराओ उसको, या घर में किसी को दो उसको, ठीक है? हाँ देख लो तुम, बच्चे को इन्हें होल्ड कर लो। हाँ बच्चे ठीक है, बच्चे क्लियर हुआ, समझ में आया कि अराजकतापूर्ण क्यों है? और ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना है तुम्हें बच्चे कि मार्गेंथाउस ने यथार्थवाद का जब विश्लेषण किया था तो उसने मानव स्वभाव को केंद्र में रखकर यथार्थवाद का विश्लेषण कर रहा था। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में मार्गेंथाउस ने जो भी चीजें बताया है वो मानव स्वभाव के आधार पर बताया है। केनेथ वाल्टर्स ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो चीजें बता रहे हैं, संघर्ष को जो बता रहे हैं, वो किसके आधार पे बता रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पे। ये ध्यान में रखना बेसिक। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में मार्गेंथाउस ने जो भी विचार दिया है बच्चे, वो मानव स्वभाव को आधार बनाकर, और जो केनेथ वाल्टर्स हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में जो भी विचार उन्होंने दिया है, जिसको हम लोग नव यथार्थवाद बोलते हैं, नियो रियलिज्म्स बोलते हैं बच्चे, उसका बेस है अंतरराष्ट्रीय संरचना या इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। यही तुमसे अंतर कराएगा वो, कि ट्रेडिशनल जो परंपरागत यथार्थवाद है और नौ यथार्थवाद में आप कैसे अंतर करेंगे? तो सीधा बोलना है कि परंपरागत जो यथार्थवाद के अंदर जो हमने विचार हमें प्राप्त हुए थे, जो आइडियाज मिले थे, वो ह्यूमन नेचर पर बेस्ड हैं। और यहां पे जब आते हैं बच्चे, जो भी न्यू रियलिज्म्स में हमें आइडियाज मिल रहे हैं या जो भी सीखने को मुझे मिल रहा है बच्चे, वो किस पर बेस्ड है? एक वो बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है? वो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पे है बच्चे, इन अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? अब अगले पेज पे आओगे बच्चे तो केनेथ वाल्टर्स भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं।
उन्होंने बोला ना, अराजकता की स्थिति कैसे पैदा हो जाएगी, जब हर एक देश शक्ति को क्या करना शुरू कर दे, बढ़ाना शुरू कर दे, तो वो स्थिति क्या हो जाती है, अनिश्चित पूर्ण स्थिति हो जाती है, ये उसी को हम लोग संघर्ष पूर्ण स्थिति बोलते हैं। तो ये भी क्या बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष है, बोला ना इसने भी। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित ही केंद्रीय होता, यही सेम बात क्या बोला था, मार्गेनहाउस ने बोला था कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। और राष्ट्रीय हित जो है बच्चे वो किससे संबंधित होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से। तो कहने का मतलब बोल तो यही रहे हैं लेकिन अपनी विचारों को थोड़ा सा परिवर्तित कर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। ये भी मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष होता है, जो संघर्ष है वो शक्ति के लिए है, और शक्ति क्यों प्राप्त किया जा रहा है, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए, और राष्ट्रीय हित का मूल बिंदु क्या है, सुरक्षा। और जो सुरक्षा शब्द है बच्चे वो बहुत व्यापक शब्द है, यहाँ पे सिर्फ भौगोलिक सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, अपनी सीमा की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, अपने यहाँ के लोगों की भी सुरक्षा की हो रही है, मानवीय सुरक्षा की बात हो रही है, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो रही है, ये सभी तरह की सुरक्षाएं आती हैं बच्चे इसके अंदर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो सुरक्षा का मतलब ये मत समझ लेना कि देश को बाहरी आक्रमण से बचाए रखने के लिए हम जो सेना बल का निर्माण करते हैं और वो हम एक प्रकार से वो तो है ही सुरक्षा, उसके अलावा ये सुरक्षा को बड़ा व्यापक रूप में देखते हैं। मानवीय सुरक्षा का मतलब मानव को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, मानव को रोजगार मिलनी चाहिए, मानव को शिक्षा मिलनी चाहिए, मानव को विकास का अवसर मिलना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था है बच्चे, उसके विकास के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, ऊर्जा के संसाधन होने चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है? जहां पे हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है ना, ये जो नवनीकरण और अनवनीकरण ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, जैसे कोयला डीजल ये तो सारे खत्म हो जाएंगे, और नवनीकरण के स्रोत हैं, लेकिन हमें अपने राष्ट्र के लोगों का तो विकास करना है ना, कि छोड़ देना है, करना है, तो इसलिए हमें तो नवनीकरण ऊर्जा के स्रोत को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो ये भी एक सुरक्षा ही है। तो सुरक्षा अपने आप में बहुत व्यापक शब्द होता है, उसे सिर्फ सैन्य सुरक्षा तक नहीं देखना होता है। केनेथ वाल्टर्स ने ये बोला, बाकी मार्गेनहाउस क्या बोलते थे, सुरक्षा का मतलब ये है सैन्य सुरक्षा, शक्ति का मतलब है सैन्य शक्ति। ये लोग बोलते हैं कि शक्ति का मतलब सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, और सुरक्षा का मतलब सिर्फ सैन्य सुरक्षा नहीं, शक्ति का मतलब व्यापक है बच्चे, आर्थिक शक्ति, मानवीय शक्ति, ठीक है, ये शक्ति होती है, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, शक्ति होती है बच्चे, ठीक है। और इन्होंने पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना पर इन्होंने क्या किया था बच्चे, अपना पूरा मुख्य ध्यान दिया था कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो चीजें हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा बल दिया था बच्चे, ठीक है। संरचना पर उनका पूरा का पूरा फोकस था कि जिस दिन मुझे संरचना समझ में आ जाए, स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, उस दिन मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्या कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ बच्चे, ये ठीक है। ह्यूमन बॉडीज का स्ट्रक्चर अगर दिमाग में तुम्हें आ गया बच्चे, जैसे कहते हो ना कि अगर क्वेश्चन का मैं स्ट्रक्चर बना लूंगा तो पूरे क्वेश्चन के आंसर को मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो उसी तरह से अगर मुझे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काम कैसे करती, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता निर्णय कैसे, ये चीजें मुझे समझ में आ जाए तो मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बेहतर समझूंगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, यही केनेथ वाल्टर समझा रहे हैं बच्चे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना को इन्होंने क्या बोला था, अराजकतापूर्ण। और इनका अराजकतापूर्ण बच्चे, ऐसा कौन सा वेस्टर्न विचारक है बच्चे जिसने बोला था कि जो प्राकृतिक अवस्था है, जो प्राकृतिक अवस्था है वो अराजकतापूर्ण है, कौन सा वेस्टर्न विचारक है, वेस्टर्न फिलोसफर है जिसने बोला था, ठीक है, पाश्चात्य विचारक है बच्चे जिसने ये बोला था कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो अराजकतापूर्ण है, क्योंकि वहां पे ताकतवर कमजोर को मार रहा है, कमजोर जो है वो संघ बनाकर ताकतवर को मार, स्थिति बहुत बर्बर है, स्थिति बहुत युद्ध वाली है। ये बात सबसे पहले वेस्टर्न फिलॉसफी में किसने बोला है, ये मैंने तुम लोग को पढ़ाया है, बेंथम थप्पड़ मारे ना तुम्हें मुंह में, हॉब्स ने आएगा पहले, बेंथम गाएगा, हॉब्स ने सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था, जबकि मैंने तुम लोगों ने सुना नहीं है, प्राकृतिक अवस्था को किसने बोला है, अराजकता पूर्ण है, वो हॉब्स बोलने वाला पहला व्यक्ति था बच्चे, अराजक पूर्ण बोला था, उसके बराबर थोड़ी, फिर तो वहीं से शुरू होता है। तो कहने का मतलब जो केनेथ वाल्टर्स का अराजकता पूर्ण है वो किस पाश्चात्य विचारक के अराजकता के एकदम आसपास होगा, समीप होगा, हॉब्स के बच्चे।
नहीं तुम जोड़ोगे ना, नहीं सोचोगे, तो क्वेश्चंस बनाना टफ हो जाएगा बच्चे। आसान क्वेश्चन तो निकल जाएंगे, टफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, दिक्कत होते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इन्होंने भी ये चीजें मानी बच्चे कि अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है यानी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है बच्चे, वो रन करती है नेशनल इंटरेस्ट पर। अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो कार्य करती है वो किस पर कार्य करती है, राष्ट्रीय हितों पे कार्य करती है, नैतिकता और विधि पर नहीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इसलिए ये लोग यथार्थवादी विचारक हैं बच्चे। विधि की बात कौन करता है, नैतिकता की बात किस तरह के दृष्टिकोण के लोग करते हैं, आदर्श, आदर्शवादी या तुम उदारवादी बोल सकते हो बच्चे। तो तभी तो ये प्रूफ होगा कि हम जो हैं वो क्या हैं, यथार्थवादी विचारक हैं। तो इन्होंने भी ये चीजें बोली कि पूरा का पूरा जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो तुम्हें दिख रही है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो भी हरकतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हितों के लिए हो रही है। भाई से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीन जो है वो LAC को पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा है। कल के न्यूज़पेपर में यह दिया था बच्चे कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहां पे नौसेना अड्डा का निर्माण कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, अपने राष्ट्रीय हितों के लिए। और भारत इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। भाई भारत को विरोध करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर भारत नहीं करता है तो, क्योंकि जो जहां पे ग्वादर पोर्ट है बच्चे और ग्वादर पोर्ट को जोड़ने के लिए जो रास्ता बन रहा है उसको चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। और जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है बच्चे वो बन रहा है POK के एरिया में, और POK जो है वो क्या है, एक विवादित क्षेत्र है। अगर रोड बन जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो क्या उस विवाद को आप हल कर पाओगे कभी, और उस जमीन को आप कभी ले पाओगे। कल को अगर लड़ने आप जाओगे तो पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, क्यों खड़ा होगा, कहेगा इसमें मेरा इतना पैसा लगा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये चीज, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो चीजें हो रही हैं वो किससे प्रभावित होकर होती है, राष्ट्रीय हितों से, नेशनल इंटरेस्ट से बच्चे। ठीक है, मॉरलिटीज और लॉ जैसी चीजें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, वो सेकेंडरीज होती है, प्रायर नहीं होती है। आई बात समझ में? और मार्गेंथाउस ने बच्चे शक्ति की तो बात की है, शक्ति ही उनके लिए साध है और शक्ति ही उनके लिए क्या है, साधन। जबकि केनेथ वाल्टर ने बोला कि नहीं, शक्ति मेरे लिए साधन है और राष्ट्रहित मेरे लिए क्या है, साध्य है। यानी पावर इज अ मींस और एंड जो है बच्चे वो मेरा क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है। तो नेशनल इंटरेस्ट को क्या मान लेते हैं, कि नेशनल जो इंटरेस्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट मेरा क्या होगा बच्चे, नेशनल जो इंटरेस्ट है वो मेरा एंड होगा, जो राष्ट्रीय हित होगा वो मेरा साध्य होगा। ये मार्गेंथाउस और केनेथ वाल्टर्स में तुम क्या कर सकते हो, अंतर कर सकते हो। और नीचे लिखा गया बच्चे कि जो केनेथ वाल्टर्स हैं वो मानव स्वभाव के विश्लेषण के बजाय उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो विश्लेषण किया वो किसके आधार पे किया, संरचना के आधार, संरचना यानी स्ट्रक्चर के आधार पे वो पूरा का पूरा अध्ययन करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये नौ यथार्थवाद के बारे में केनेथ वाल्टर्स के क्या थे बच्चे, विचार थे।